meri jaan meri shaan pehchaan sa lage swabhiman abhiman muskaan sa lage और मेरा नाम यश तिवारी है और आज उत्तर इंटरनेशनल कॉलेज में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सिक्स्थ अवार्ड सेरेमनी का दूसरा दिन है. थिएटर प्ले आज आपके स्टूडेंट्स आपके फेलोमेट्स आपके फ्रेंड्स यहां पर परफॉर्म करेंगे. और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में चाहता हूं कि एक बार हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नेहा श्री मैम, राजस्थानी क्वीन जिनको कहा जाता है. और राजस्थानी इंडस्ट्री के बाद बहुत सी इंडस्ट्री में इन्होंने धूम मचा रखी है अपनी मूवीज से अपनी एक्टिंग से. उनके बिल्कुल पास बैठे हैं क्षितिज कुमार सर. इनके बारे में जो बोला जाए वो बहुत कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं. एक वेल नोन ब्रिलियंट एक्टर राजस्थानी मूवीज के एक वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट और उसी के साथ वर्ल्ड टूर करने कर रखा है. लेकिन इनका जो प्यार है राजस्थानी भाषा और राजस्थानी कल्चर की तरफ वो कभी कम नहीं हुआ. तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत. उन्हीं के साथ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की फाउंडर एंड ओनर संजना शर्मा मैम भी यहाँ पर मौजूद है और उनके दो तालियां बजाए. इन्हीं की पहली 2013 में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का पहला सेशन पहला साल जो एक दिन का था वो शुरुआत की. और आज 2018 में हमारा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 5 दिवसीय हो चुका है जिसकी शुरुआत कल ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में एक थिएटर में के साथ हो चुकी थी. वहां पर के सीरीज प्रोडक्शन हाउस का एक नया गाना जो है सौगात तेरी वो उसका एक टीजर लॉन्च भी वहां पर हुआ था जो अब आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है. और उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं अनिल जैन सर जो कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के प्रोग्रामिंग हेड हैं और उनके भी जोरदार तालियां हो गए. एंड इंटरनेशनल कॉलेज से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं पीसी गुप्ता सर जो कि सीईओ हैं एंड उन्हीं के साथ प्रवीण गोस्वामी सर प्रिंसिपल हमारे साथ यहाँ मौजूद है. बैठे उनके जोरदार तालियां हो गए. एंड आप सभी को मैं थोड़ा सा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. 2013 में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की नींव रखी गई संजना शर्मा मैम के द्वारा और तब से लेकर आज तक हमारा जो मोटिव रहा है वो राजस्थानी कल्चर को और राजस्थानी सिनेमा को अपलिफ्ट करने का रहा है, उसको एक अलग लेवल देने का रहा है. राजस्थानी एक्टर्स को और राजस्थानी आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देने का हमारी सोच रही है. उसके साथ आप सभी को यानी कि यूथ को राजस्थान के आने वाले यूथ को राजस्थानी कल्चर से कनेक्ट करके रखने का भी हमारा एक मोटिव है. और 2018 में सिक्स्थ अवार्ड सेरेमनी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो है वो 5 दिवसीय है इस बार. इस बार पहले 3 दिन थिएटर प्लेस हो रहे हैं अलग अलग कॉलेज में जिसकी शुरुआत कल सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से हुई. आज दूसरा दिन हम उदार इंटरनेशनल कॉलेज में मौजूद हैं और कल टैगोर कॉलेज में भी एक थिएटर प्ले होगा. उसी के बाद यानी कि 28 सितंबर को संस्कृति ऑडिटोरियम मानसरोवर में हमारा इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन है जिसमें भी यहां से टीम आ रही है. तो एक बार उस टीम के ताले हो जाए जोरदार. और आप सभी 28 तारीख को भी जिस तरह यहां पर आपके दोस्तों को थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए यहां मौजूद हैं आप सभी से गुजारिश है कि 28 तारीख को भी संस्कृति ऑडिटोरियम काफी पास है आपके मानसरोवर में वहां भी आप सभी मौजूद रहे. यहाँ की यहाँ से आने वाली टीम को थोड़ा प्रोत्साहन दे उनको थोड़ा मोटिवेट करें एंड ताकि वो बॉस यहाँ जीत के भी आए. एंड 29 सितंबर को मान पैलेस वैशाली के पास बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है वहां पर शाम को 6 बजे से शुरू होगा हमारा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सिक्स्थ अवार्ड सेरेमनी. बहुत ही खूबसूरत इवेंट है जिसके पासेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं. अगर आप अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ वहाँ पर आना चाहते हैं तो आप वेन्यू पे आके भी पासेस कलेक्ट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं हमारा शो और देख सकते हैं कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल राजस्थानी कल्चर के लिए कर्ज क्या रहा है. तो बराबर से बिना कीमती टाइम ज़्यादा लिए लैम्प लाइट की तरफ बढ़ते हैं और फिर आज का ये थिएटर प्ले हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो मैं गुजारिश करूँगा नेहा श्री मैम सिद्धेश्वर एंड सन्ना मैम एंड सर प्लीज एक बार
स्टेज पर आना है, इनके तालियां बजाएं और उसके साथ पीसी सर एंड प्रवीण सर भी स्टेज पर यहां साइड में का बहुत बहुत शुक्रिया। दीप प्रज्वलन से आज की इस खूबसूरत इवेंट की शुरुआत हो चुकी है और दीप प्रज्वलन दोस्तों इसलिए किया जाता है ताकि जो परमात्मा है वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखे और आज का जो इवेंट है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच। हमेशा एक आइडिया होता है, जो आइडिया उस चीज को आगे लेकर के जाता है।
जो लोग आगे हमसे चलते हैं बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं ताकि समाज का सोसाइटी का भला हो, उस नींव को रखा हमारे फाउंडर और डायरेक्टर संजना शर्मा ने, जिन्होंने राजस्थान की भाषा कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो पीड़ा उठाया उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का साथ और आप लोगों की शुभकामनाएं ऐसी हमारे साथ रहें और हम लोग इस कल्चर को और आगे ले जाए। जय जय सर, आपका ये पूरा थिएटर प्ले बहुत ही खास है क्योंकि आज का इस थिएटर प्ले का जो बेस है, जिस सोशल इवेंट पर ये थिएटर प्ले परफॉर्म हो रहा है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक मासूम की जिंदगी इस चक्रव्यूह में खत्म हो जाती है और मेरे को लगता है कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले हैं। एक छोटी चीज़ मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगा जो जैसर ने भी हमें थोड़ा सा बताया इसके बारे में। आज से दो साल पहले हमारा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की टीम का एक बहुत बड़ा पार्ट नीतीश सर हमारे साथ थे उस टाइम, और उनका ही एक आइडिया था कि यूथ को भी राजस्थानी कल्चर से हमें कनेक्ट करना चाहिए, यूथ को भी पता होना चाहिए कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल किस तरह से राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। और उसी के लिए उन्होंने ये इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन का आइडिया संजना मैम से शेयर किया, उनको काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसी साल वो हमें छोड़कर चले गए, एंड आज तक भी उनका जो कॉन्सेप्ट है वो जिंदा है। आज तक भी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ये इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन जारी रखता है, हर साल करा रहा है और हर साल एक नया लेवल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना चाह रहा है। जो उनकी सोच थी वो हम और ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे करने की हर साल कोशिश करते हैं। तो मैं उनका जहाँ भी वो मौजूद है उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा इस आइडिया के लिए। एंड लैम्प लाइटिंग हो चुकी है, हमारे जल्दी हमारे साथ सभी मौजूद हैं और आज का ये थिएटर प्ले जो है स्टार्ट मैं करना चाहूँगा। तो चलिए, सो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ पोजार इंटरनेशनल कॉलेज की थिएटर टीम को मैं ये मंच छोड़ता हूँ। हम थिएटर प्ले का आगाज करने जा रहे हैं, तालियों में बिल्कुल भी कभी मंच छोड़ेगा। हमारे समाज की उस बेटी की, उसके सपनों की, उसकी उम्मीदों की देखते हैं, क्या उसके सपने पूरे हो पाते हैं या फिर उसकी कुचल दी है। मेरे बाबा जो अपनी शादी के बाद सिर्फ एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं, और वो उम्मीद थी मेरी माँ से एक लड़का पाने की। मेरे बाबा जो ना ही किसी भगवान में ना ही किसी खुदा में विश्वास रखते थे, उन्होंने एक 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 लड़का पाने की चाह में सिर्फ चंद माह अपने अंधविश्वास के साथ हर मंदिर, हर दरगाह और हर गुरुद्वारे में अपने हाथ पकड़े, हजारों मिन्नतें की। लेकिन वो कहते हैं ना, हम चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लें, कितने ही मंदिर या गुरुद्वारों में अपने हाथ फैला लें, होता वही है जो भगवान ने चाहा है। और फिर 9 महीने बाद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। बाबा की हजार मिन्नतें के बाद मेरा पैदा होना मानो कयामत सा था। बाबा की नफरत जो मेरे
और मेरी माँ के लिए थी मानो करोड़ों भगवानों की नफरत हमारी नफरत के सामने ठीक ही थी। समय बीतता गया, बाबा की नफरत और नशा कुछ ऐसा था जिसे बताने में आज भी मैं कतरा हूं और वो पल कुछ ऐसा था। Thank you.
हजार गुजारिश है बाबा के रूह को जरा भी ना छू सके। मेरी और माँ की तड़प से बाबा के दिल में जरा भी रहम ना आए। नहीं तब कमलाल ये था इस मंजर में मुझे जीते जी जिंदा लाश बना। ध्यान रखना
एक्ट्रेस, एक जिंदा लाश करूंगी, लेकिन मेरी रूह हर बार ठीक ठीक कर बस एक ही दुआ कर रही कि किसी और को ऐसा मंजर देखने ना मिले। ये तो वो कब्र जो मेरे पापा ने मेरे लिए बैठी, एक तरफ मेरी रूह तड़प रही थी और दूसरी तरफ मेरी माँ। Thank you.
ستائش کا عالم آپ کی ظلم و ستم نے میری زندگی فنا کر دی. میں نے خود کے ہوش سنبھالے بھی نہیں تھے کہ تبھی سے میرے بابا کے ظلم و ستم میرے اوپر شروع ہو گئے. بابا نے میرے ساتھ ساتھ میری ماں پر بھی ظلم و ستم برقرار رکھے. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے جسے خدا نے خود اپنی رحمتوں سے نوازا ہے. ماں کو کسی اپنے سے کچھ آس نہ تھی. ماں کو لگا کوئی پرایا کی مدد کو آگے آئے گا. لیکن افسوس سمے چلتا گیا اور میری زندگی میں ایک ایسا پل آیا جس پل کا مجھے آج بھی مزار ہے. کاش یہ پل مجھے میرے بچپن سے ملا ہوتا اور وہ پل Come on.
नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। वो तो मेरे कुछ दोस्त है जो मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, एक अजनबी से मुलाकात। वो अजनबी जो अजनबी होकर भी अजनबी सा नहीं था, ये वो लम्हा था जिस लम्हे में मैंने मेरी जिंदगी की सारी कहानी उस अजनबी को बताई। वो एक खूबसूरत मुलाकात, धीरे धीरे मुलाकातों में, और वो मुलाकातें कब मोहब्बत में तब्दील हुई। हमें पता भी ना चला, कई दिनों की चोरी छुपी मोहब्बत और फिर एक दिन अचानक।
बहुत ही अच्छा प्ले था, मतलब एक औरत के लिए आज जैसे आजकल जो चल रहा है, आपने इतने सारे केसेस सुने ही हैं, उसको देख के बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस कॉलेज में आई और मुझे इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिली। और हर कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा एक्ट किया, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, और अपना जो बैक स्टेज पे उनके लिए काम कर रहे थे, प्रॉप्स जो यूज कर रहे थे वो भी बहुत शानदार थे, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हम बोल रहे हैं। एंड थैंक्स टू आरएफएफ संजना जी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर आई और इतना अच्छा प्ले देखने को मिला। एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल सर, जो इतने टैलेंटेड बच्चे आपके कॉलेज में हैं, तो अपना कॉलेज याद आ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अम्मागढ़ी साहब, मेरा ख्याल से मारवाड़ी के आप जानता को नहीं होगा, लेकिन मैं अलाउ करूँ तो मैं बोलूँ थोड़ी मारवाड़ी थोड़ी हिंदी में। सबसे पहली मैं आपने बताऊँ मेरा कहाँ से आए, और मैं तो आज भी ठहरी हूँ क्योंकि आज में तो जो का फादर है बशरीक है, तो मेरे तो रोंगटा ही खड़ा हो सके, रोमांच हो सके है। सबसे छोटी चीज बताऊं, फॉर्मल टॉक्स मुझे उतनी आती नहीं है, जिंदगी जिया हूं। संजना जी और नेहा, ये जो कैरेक्टर आपने लिख के दिया है उसके कम ज्यादा कुछ अंश है, ये सेंटिमेंट है इन्होंने जिंदगी में भुगता है, और आज की डेट में संजना जी की बदौलत, आरएफएफ की बदौलत मुझे भी मौका मिला इतने टैलेंटेड कॉलेज में आने का। बहुत खूबसूरत थी, हार्ड वर्क, अच्छा टाइमिंग देके रिहर्सल, और बड़े करेक्टर तो है ही है, फादर का मेन करेक्टर है, जो भाई जी हैं, बहुत सारे करेक्टर हैं, सभी अच्छे अपने अपनी जगह, खूबसूरत कास्टिंग। और मैंने इसको कितना माइन्यूट देखा डायरेक्शन के हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो इम्प्रेस करते हैं वो छोटे कैरेक्टर जो अपना कर जाते हैं 100%। जैसे इसमें आपकी एंकर जिस तरीके से वो लाश के पास से उठ के जाती है, वो जो टाइमिंग था, जो फीलिंग थी, दैट वाज लाजवाब। पांडे जी जिस तरीके से बोलते हैं वो कैरेक्टर आपको नजर आते हैं, छोटा सा कैरेक्टर लेकिन अपने इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। और हाईएस्ट लेवल के ऊपर जब वो उसमें आती है कोठे पर लड़की, तो जो दो लड़कियां बैठी हुई उसमें आगे वाली लड़की जेलेसी होती है औरत की औरत से, उस तरह जो जो कठिन दिलाती है हंस एक बोल आगे, तो वो एक क्लास डायरेक्शन है। और बाकी मैं आपको बताऊँ, मैं राजस्थानी फिल्मों से रिलेटेड रहा हूँ, और आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे घर में वो तो बात करते हैं, अभी मेरी चल रही है राजस्थानी फिल्म बबड़ी वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं, बट राजस्थानी भाषा की अपना बात करा तो को आरएफएफ आदि ना तो मायने बिना आगे पढ़ाई है, क्योंकि मेरी एंट्री जीयू के साथ ही बाबू जी की है, और भाभी जी पहली पिक्चर का मायना तो मैं भी ससुर जी बनगा। लेकिन नेहा जो है, नेहा के कारण से बीच का जो तो पीरियड था ये राजस्थानी फिल्मों को इसको डूबने नहीं दिया, और नीलू के बाद में सबसे हिट हीरोइन नेहा रही है। और उससे ज़्यादा अभी इन दिनों में जिन्होंने सबसे आगे, मैं आयरन लेडी बोलता हूँ संजना जी को, आयरन लेडी की जिस कंडीशन में ये जो आगे लेके जा रही हैं, और इन सबका सार बोधार कॉलेज ने दिया, ड्रामा देख दिया। थैंक यू, आप भी सोशल कनेक्ट करूँ सबको। नमस्कार, वैसे मेरी वॉइस ज़्यादा अच्छी नहीं है, टेंस की तरह ही बोलती हूँ मैं। लास्ट ईयर जो पोदार कॉलेज ने परफॉर्मेंस की फाइनल में डांस कॉम्पिटिशन के लिए, शायद वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसके बाद मैं आज ही आपके कॉलेज में फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो बच्चे आपके बहुत टैलेंटेड हैं सर,
और मैं भी कि इन बच्चों को अगर सही समय पे सही तालीम और एक सही टीचर मिले तो आपकी कॉलेज से ये बड़ी बात नहीं है कि दो चार बड़े आर्टिस्ट बन ही सकते हैं। और जो डांस में जो राजस्थानी प्यार करते हैं आपके बच्चे कल्चर को, जितनी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर की और जितने गाने राजस्थानी इन्होंने रिप्रेजेंट किए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसको बच्चों ने इतना सपोर्ट किया, चाहे वो आपकी कॉलेज हो चाहे वो और कॉलेज हो। इस बार हमने टोटल 45 कॉलेज में एक्टिविटीज़ की है, जो कोटा में भी किए हैं और जयपुर में भी किए हैं। आने वाले टाइम में हम 100 कॉलेज और स्कूल में एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। और ये बच्चे हमारा फ्यूचर है कि इनमें से कुछ बच्चे आगे जाके इंजीनियर बनेंगे, कुछ चैनल में हेड बनेंगे, कुछ बिजनेसमैन बनेंगे। मगर बच्चों हमेशा एक चीज़ याद रखो कि मातृभाषा जो हमारी भाषा होती है उसी के लिए योगदान हमारी लाइफ में हमेशा थोड़ा थोड़ा होना ही चाहिए। मेरा कोई गॉड फादर नहीं था मगर मैं राजस्थानी इंडस्ट्री को बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही कम शब्दों में आपने काफी कुछ कह दिया। अभी इस प्ले की बात करते हो तो मैंने इस प्ले से एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाई। कल भी प्ले देखा मैंने, अच्छा था, अच्छी कोशिश की बच्चों ने और बहुत बड़ी कॉलेज है यादगार, उसके अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे। मगर आज तक का ये सेकंड प्ले है, ये आज का सबसे बेस्ट प्ले मुझे लगा। जीतना हारना ये मायने नहीं रखता, दौड़ते रहो, हारोगे तो भी कुछ तजुर्बा लेकर ही हासिल होगा और जीत गए तो फिर तो बात ही क्या है। तो जिंदगी में संघर्ष करते रहो, अच्छे अच्छे टैलेंट बच्चों को ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट कराते रहो और फाइनल जो रिजल्ट हम अनाउंस करेंगे वो 28 तारीख को संस्कृति ऑडिटोरियम में जो इवेंट होने जा रहा है उसमें अनाउंस करेंगे कि 2018 की जो बेस्ट प्ले किस कॉलेज का हुआ। और वो तीन ही कॉलेज हैं क्योंकि हमने तीन ही कॉलेज को इस बार प्ले करने का मौका दिया है और हम चाहते हैं कि जो बेस्ट प्ले हो आप ही की कॉलेज हो, क्योंकि अभी तक के प्ले से तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी जूरी मैं नहीं हूँ, जूरी आपके सामने खड़ी है, मैं तो एक ऑर्गेनाइजर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को मौका दिया है गानों में, शॉर्ट फिल्म्स में, अच्छे टैलेंटेड टैलेंटेड बच्चों को दिया है। अगर कोई आपकी कॉलेज में भी टैलेंटेड बच्चा हो तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की वेबसाइट पर आइए, हमसे कनेक्ट करिए और अच्छा टैलेंटेड बच्चों को हम ज़रूर मौका देंगे कोई गाने में, फिल्म में, सीरियल में, या अगर हमारे कुछ कोशिश से बच्चा अगर आगे निकलता है तो एक बहुत बड़ी बात है। और हम उसके लिए हमेशा आप लोगों के शुक्रगुजार रहेंगे कि आप राजस्थान इंडस्ट्री फिल्म फेस्टिवल के साथ में पिछले 2-3 साल से लगातार जुड़े हुए हैं और उसके लिए प्रिंसिपल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पूरे कॉलेज के सारे बच्चों को खूब सारा ढेर सारा प्यार। हमारी आज की जो पूरी कास्ट थी जिसने इतना खूबसूरत एक थिएटर प्ले हमारे सामने परफॉर्म किया जिसके बारे में जितना ही बोला जाए वो बहुत ही कम है। और जैसा कि मैम ने कहा हमारे थिएटर प्ले यानी कि गोदा इंटरनेशनल कॉलेज का थिएटर प्ले अगर जीतता है तो 28 तारीख को संस्कृति ऑडिटोरियम मानसरोवर में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि वहां पर भी हमारी टीम्स को थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप सभी वहां इनवाइटेड हैं, वहां मौजूद रहे, वहां हमारा शो एंजॉय करें। एंड जी बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल मैम ये कह रही है कि जितने बच्चे यहाँ मौजूद है वो मुझे उम्मीद है कि आपकी कॉलेज ही जीतने वाली है, उम्मीद है, मगर आना चाहिए अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए। अभी देखो सस्पेंस है, अपने कॉलेज सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए। कल टैगोर में भी यही थिएटर प्ले होगा तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड मे द बेस्ट वे। तो फटाफट से मैं एक बार पूरी टीम हमारी पूरी कास्ट को एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आर्यन शर्मा सभी के थोड़ी जोरदार ताली होनी चाहिए एक एक साथ आर्यन। और ये पूरी की पूरी जो कास्ट है इसमें काफी सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, हमारे पिताजी आर्यन शर्मा और पुलिस इंस्पेक्टर मनोज डाक, हमारी लीला भाई इनको दो बहुत ही कैरेक्टर मेंटेन करके रखा है इन्होंने
बहुत खूबसूरती से कैरेक्टर को हटने नहीं दिया इन्होंने। और पूनम तिवारी एंड तालियां यार सबके लिए बज सकती है। भरत मिश्रा, ओहो आज तो मैं चारू। स्नेहा मीना, बराबर से आ जाए अपना सर्टिफिकेट लेने और प्लीज स्टेज पर ही मौजूद रहे। स्नेहा मीना, कुनीता सोनी, ऐश्वर्या अग्रवाल, छाया बरगुजर, आयुषी, सभी स्टेज पर बने रहे, अभी आपका कैश प्राइज भी आपको मिलने वाला है। हर्षित मिश्रा, गायत्री, हर्ष विषय, बताओ जाओ है राधिका अग्रवाल, तुषार सैनी, दीपांशु मित्तल, हाँ भाई बर्थडे की, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट शिरेंद्र सिंह। एक बार हमारा पूरे थिएटर प्ले की कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए फर्वर से। मैं चाहूंगा कि इस प्ले के डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर कम राइटर शाद सर एंड हर्षित सर प्लीज स्टेज पर आ जाए, इनके लिए तालियां हो जाए, आगे सर आगे आ जाइए। एंड ये थिएटर प्ले की ट्रॉफी मैं चाहूंगा कि सर आप पूरी टीम के बिहाफ पे एक्सपेक्ट करें, टीम प्लीज जरा साथ में आए सर के, ये ट्रॉफी आप लोगों के मेहनत के लिए, ये आप सभी हमें यहाँ पर ज्वाइन करें। एंड 5,000 रुपीज का कैश प्राइज प्रधान राशन पालन की टीम को दिया जाए जोर बने हो जाए के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की तरफ से आपका इवेंट बहुत ही खूबसूरत रहा है। एंड पोदार इंटरनेशनल कॉलेज की तरफ से भी एक छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स थोड़ी देर और हम आपके लेंगे। कौन देना चाहेगा नाम प्लीज मुझे बता दें। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइजर है उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि
कि उन्होंने जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनमें कहीं ना कहीं प्रतिभा नज़र आ रही है तो उनको एक मंच देने का प्रयास किया। और मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि इस प्रकार आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें जिससे कि जो नए बच्चे हैं जो मंच में चाहते आना नया करना चाहते हैं उनको आप मंच प्रदान करें। मैं पुनः आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे कॉलेज की तरफ से और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से। अब होगा वहां पर जो भी स्टूडेंट जीतेंगे आने वाले कुछ ही टाइम में ए सीरीज प्रोडक्शन हाउस की शॉर्ट फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री मूवी में उन स्टूडेंट्स को स्टार करने का मौका मिलेगा। तो एक बार उसके दो ताले बजाने चाहिए। थैंक यू सो मच की एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म राजस्थान फिल्म फेस्टिवल और ए सीरीज देख के स्टूडेंट को देखा जाता है। आप सभी से गुजारिश है कि 28 सितंबर को संस्कृति ऑडिटोरियम मानसरोवर में भी आप सभी यहाँ से आने वाले डांस टीम को प्रोत्साहन देने के मोटिवेट करने के वहां मौजूद रहे। आई गेस 11 बजे से हमारा वो इवेंट स्टार्ट होगा। आप सभी वेन्यू पे आ सकते हैं और वो पूरा शो भी ऐसे ही आज की तरह आप एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर पूरे राजस्थान से टीम्स स्कूल्स की कॉलेजेस की रिक्वेस्ट करूंगा आरएफएफ टीम से कि प्लीज यहां पर हमारे साथ स्टेज पर आ जाएं। एक बार सशक्त के दो ताले हो जाएं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा पार्ट है तो जी सर आप प्लीज यहाँ पर आ जाए। एंड ये इन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद योर प्रेजेंस। हमारे सभी जूरी मेंबर्स एंड ऑनरेबल गेस्ट को प्लीज। बीकाजी प्रेजेंट्स उस्वाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल पावर्ड बाय सिद्धि अनंता ग्रुप द बिगेस्ट अवार्ड नाइट ऑफ राजस्थानी सिनेमा। स्वाभिमान अभिमान मुस्कान सा लगे।